कोरोना से हुई मौत से शव को अंत्येष्टि स्थल तक पहुंचाने के लिए नगर निगम ने 6 एम्बुलेंस मुहैया कराया है। नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया एम्बुलेंस डेड बॉडी को राजघाट तक पहुंचाएगी। इसके लिए परिजनों को किसी की मदद भी नहीं लेनी पड़ेगी। नगर निगम द्वारा इसके लिए मोबाइल नंबर जारी किया गया है। साथ ही एम्बुलेंस का किराया 1500 निर्धारित किया गया है, जिसे जमा करने के बाद पीड़ित परिजन मदद ले सकेंगे। वही गरीब, असहाय, लावारिस और बीपीएल कार्ड धारकों को एम्बुलेंस की सुविधा फ्री दी जाएगी। जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से जिन लोगों की मौत हो जाती थी, उसके लिए परिवार के लोग डेड बॉडी को अंतिम संस्कार कराने के लिए परेशान होते थे, जिसको देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया। ले लिए इसको, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इसमें जो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, उसकी स्पीड बहुत ही तेज है और उसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। और इस संक्रमण की वजह से कुछ लोग असामयिक रूप से जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और ऐसे में दिक्कत कई बार आ रही है कि कुछ जो कोविड से मृत्यु को प्राप्त हुए लोग हैं, उनके शव को जो, या मान लीजिए वो घरों में थे, आइसोलेशन में थे, होम आइसोलेशन में, उनको वहाँ से जो हमारा अंत्येष्टि स्थल है राजघाट तक ले जाने के लिए जो वाहन सब वाहन था, उनकी दिक्कतें हो रही थी। क्योंकि तो जो हमारे सीएमओ साहब के सब वाहन जो अभी तक ले जा रहे थे, वो कई बार बिजी होते थे कुछ अन्य कामों में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय मंडलायुक्त महोदय और मेयर साहब ने और हम लोगों ने सब ने बैठ कर एक संयुक्त रूप से एक निर्णय लिया, और उसी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 6 एम्बुलेंस जो है उनके को अपने नगर निगम के डिस्पोजल पे रखा हुआ है। और उसमें हमने सबके जो नंबर हैं, उन जो एम्बुलेंस पे लिखे हुए हैं, उनके ड्राइवर के, उनके मालिक के, उनको, और साथ में जो हमारे अधिकारी हैं, अपर नगर आयुक्त प्रथम, जो हमारे उप नगर आयुक्त हैं, हमारे NSA साहब हैं, मुख्य अभियंता हैं, उनके भी नंबर हम लोगों ने हाईलाइट कर दिए हैं, समाचार पत्रों में निकलवा दिए हैं। और कोई भी किसी को भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो इन नंबरों पे कॉल करके या एम्बुलेंस वाले को सीधे भी अपना रिंग करके उसको बताया गया एड्रेस पे वो तुरंत पहुंच जाएगा। और उस काम के लिए उसको जो सक्षम है दे सकते हैं, उनको 1500 रुपये देना है। और नगर निगम ने थोड़ा सा संवेदनशीलता का मतलब ध्यान रखते हुए ऐसे लोगों के लिए जो कि मान लीजिए कोई लावारिस है, अनाथ हैं, बेसहारा हैं या गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको ये सुविधा जो है निःशुल्क उपलब्ध कराई है। प्रयास सिर्फ यही है कि मान लीजिए कि कहीं पे असामयिक मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद कई बार ये देखने में आ रहा था कि जो एम्बुलेंस वाहन भी इधर उधर भटकाते थे, मनमाना रेट मांगते थे, इन सब चीज़ों से इनके ऊपर ब्रेक लगाने के लिए नगर निगम ने, प्रशासन ने, माननीय मंडलायुक्त के जो नेतृत्व में जो टीम बनी थी, उसके निर्णय के बाद हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि 6-7 का एक ऐसा फ्लीट तैयार किया जाए जो कि पूरे शहरवासियों को इस संकट की घड़ी में उनको तत्काल मतलब जो भी उनकी आवश्यकताएं, कोई भी ज़रूरत है उसको तुरंत पूरा करें, ले जाकर जो है हमारे जो कोरोना से जो डेथ हुई है उनके सब को सम्मान के साथ राजघाट में, जो हमारा राजघाट है वहाँ ले जाएँ, और वहाँ पर फिर उनका पूरी सम्मान के साथ जो हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी परंपराएँ हैं, उनके साथ उनका अंतिम संस्कार हो, उसको ध्यान में रखते हुए।